टेक्निकल हेल्पर के पार्ट टू में आपका स्वागत है। फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से, डीसी जनरेटर का सिद्धलक फैन किसका बना होता है या बना होता है, ऐसा कैसे? तो आपका आंसर होगा इसमें, पता आपको, एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम का, जिसका परीक्षण और वितरण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। याद आपको, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके क्या आ सकता है, मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है। या आया हुआ तो ये है जो एग्जाम में आया हुआ, अभी तक जो 23 तारीख में आया हुआ, कितना, कौन सा आपका शीतलक यंत्र। तो यहाँ पर जो है आपके, अब यहाँ जो बना होता है एल्यूमिनियम का, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर डीसी जनरेटर में शीतलक करता होता है जब ठंडक कूलिंग फैन होता है, उस कूलिंग फैन में किसमें आपके क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट पारी में आपके आ सकता है, कल आपके आ सकता है, दो दिन बाद आ सकता है। कूलिंग फैन में कौन सी गैस प्रयोग में लेंगे, गैस कौन सी लेंगे, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, हाइड्रोजन। कौन सी गैस लोगे, हाइड्रोजन। बता दोगे क्या आप, कौन सी गैस प्रयोग में लोगे, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको फिर से पुट अप कर देता हूं, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। देखिएगा अब आपको बताता हूं कि ये कंडीशन से, तो पहला दो बता दोगे हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन से शुष्क सेल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, शुष्क सेल का, शुष्क जो सेल होता है, शुष्क सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, EMF कितना होता है, कितना होता है, ये है क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में आपका आंसर, तो आप बताओगे 1.5 वोल्ट। लेकिन आपके कल के पेपर में, परसों के पेपर में 29 तारीख तक के अगला क्वेश्चन आपके क्या आ सकता, बता दो। अरे बनता नहीं बनता, रिलेटेड क्वेश्चंस बताना बनता ना, मैं रिलेटेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि जो आ गया उससे तो आपका संबंध जो होगा होगा ही नहीं, होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन से यूं आ सकता है कि शीशा, शीशा संचायक, संचायक है ना, सेल, इसको बोलते हैं लेड एसिड। क्या बोलते हैं, लेड एसिड सेल, है ना, हाँ, शीशा संचय सेल मतलब था, शीशा लेड एसिड मतलब लेड का मतलब शीशा, एसिड का मतलब अम्ल, और सेल का मतलब सेल, हाँ, शीशा संचय सेल का ईएमएफ, का ईएमएफ, देखिए का ईएमएफ पूछ सकते हैं आपके, ईएमएफ कितना होता है, तो फिर आप क्या बताओगे, 2 वोल्ट से लेकर के कहां तक, 2.2 वोल्ट। और पता है इसमें जो विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं ना, अरे किसका, ये भी पूछ सकते हैं, विद्युत अपघट्य का, किसका, शीशा संचय का, कि विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रो लाइट, विद्युत अपघट्य का रूप में किसका प्रयोग किया जाता, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, या अम्लों, गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर तेजाब, क्या बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर क्या बोल सकते हैं, तेजाब, है ना, जिसके साथ में आप उनका भी ध्यान रखना, तो क्या मिला देते हैं, आसूत जल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, आसूत जल। अब तो मैं रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, सारी तो नहीं बता पाऊंगा, इसका उपयोग पता आपको कहाँ करते हैं, अरे वाहन जितने बोलते हैं ना, तो मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, और अपने ट्रेन, इन सब में शीशा संचय करता, शीशा अम्ल, किसका, शीशा अम्ल सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपन बैटरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने पुट अप करता हूँ कि डीसी जनरेटर में चुंबकीय बल रेखाएं प्रदान, ठीक है, डीसी जनरेटर में चुंबकीय बल रेखाएं प्रदान करने पर क्या करता है, तो यहां पर क्वेश्चंस में लिखता हूं, देखिएगा ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं उसको देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों क्या है, देखिएगा डीसी जनरेटर में चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान कौन करता है, डीसी, अरे डीसी जनरेटर में, देखना ध्यान से, डीसी जनरेटर में चुंबकीय, देखिए चुंबकीय है ना, बल रेखाओं को पथ, कौन सा जनित्र, पथ कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, ये
ये क्वेश्चन आपके सामने आया था. ऑप्शन आप जानते हो सारे तो मैं बताऊंगा नहीं, सीधा सीधा आपको रिलेटेड क्वेश्चन से बता दूंगा और आंसर बता देता हूँ. योग वहां ऑप्शन आया था. योग आपके बॉडी भी आ सकती है, शुद्ध हिंदी में इसी को ही बोलते हैं शरीर. क्या बोलते हैं? शरीर. किसका? आपका मेरा नहीं, जनित्र का, बाहरी जो भाग होता है ना उसको बोलते हैं शरीर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी में कैसे आ सकता दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी में कैसे आ सकता है मैं बता दूं तो बताइए. सुनिए, यूं पूछा जा सकता है कि आपके जो जनित्र होते हैं ना, जनित्र के सामान्यतः दो कंडीशन होती है. सामान्य जनित्र की बॉडी किसकी बनी होती है या योग किसका बना होता, तो आप क्या बताओगे? मेटल में. अरे मेटल में अर्थात यहाँ पर बात करते हैं तो मेटल में जो बताओगे आप, बताओगे कास्ट, कास्ट आयरन. क्या बताओगे? ढलवा डलवा लोहा. क्या बताओगे? डलवा लोहा. या फिर एक और बताओगे तो क्या बताओगे? कास्ट स्टील. क्या बताओगे? कास्ट स्टील. अब कास्ट स्टील का तो जब आपसे पूछा जाए ढलवा इस्पात, क्या तब बताओगे? ढलवा इस्पात. जब तक आपसे यू वर्ड ना कहा जाए कि बड़े बड़े क्या जनित्रों की बॉडी किसकी बनी होती है, तब तक आप व्यवस्थित रूप है कास्ट आयरन. बड़े बड़ों के लिए किसे आएगी? कास्ट स्टील मतलब ढलवा इस्पात, और सामान्यतः कास्ट आयरन की बनी होती है. ये मैं देखो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो बता रहा हूँ, इसका एक और भी कार्य होता है जो आपसे पता आपसे पूछा जा सकता है. जैसे क्या हुआ, इस नेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर नहीं जाने देता है, पथ प्रदान करता तो कौन करता? क्या कौन करता? योग. लेकिन एक और जो बाहर से चोट भी नहीं लगता, अर्थात बाहरी आघातों से, आघातों का मतलब वहां चोट भी आ सकता. क्या सकता? आघातों से रक्षा कौन प्रदान करता? आपके क्वेश्चन आ सकता है. यूं आ सकता है कि बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसे नेत्र में आप योग की दोगे, बॉडी दोगे, आंसर शरीर ही दोगे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप करता हूँ, ध्यान देना. देखिए दोस्तों, शक्ति गुणांक बढ़ाने पर कैपेसिटी रेटिंग की होगी. क्वेश्चन रखना, देखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, पर देखिएगा इसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. हम आपको सहयोग दे सकते हैं, इससे आप पता भी चल सकता है कि मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ. लोको पायलट मैंने एग्जाम में आपको कहाँ तक पहुंचा सकता हूँ? 10 साल अनुभव, कंटिन्यूस, खुद भी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ और दो बार वो भी एक बार नहीं लोको पायलट पोस्ट पे, और इसके अलावा वर्तमान में भी कार्यरत हूँ. अतः आप जो कंटिन्यूस पढ़ सकते हो मेरे से इसी तरह से, तो आपको पढ़ना. देखो बाकी मैं सहयोग प्रदान कर सकता हूँ. कोचिंग के लिए आप मेरे को जो है अपने नंबर पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको मैंने एप पर डाला हुआ, अपने यूट्यूब डाला हुआ. आगे मैं इसी क्रम में आपको बताता रहूंगा एक एक चीज को, तो ध्यान दीजिएगा. देखिएगा मैं आपको बताता हूं शक्ति गुणांक बढ़ाने पर. क्वेश्चन अगला देखिए, शक्ति गुणांक है ना, मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं लड़कों से, स्टूडेंट से अपने. शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए. देखिए दोस्तों मैं आपको एक एक चीज पे जिक्र कर रहा हूँ यहाँ, और ध्यान रखना है कि कैसे किस्टर शक्ति गुणांक बढ़ाने बढ़ाने पर कैपेसिटर की रेटिंग होगी. बढ़ाने पर, बढ़ाने पर कैपेसिटर मतलब वहां जो वर्ड आया था वो आया था संधा, संधारित्र की रेटिंग होगी. क्या होगी? संधारित्र की रेटिंग होगी. देखिए अलग अलग कंडीशन है. इसकी जो क्वेश्चन पूछा आपके एक पारी में, क्या पूछा? संधारित्र की रेटिंग. तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना ये कंडीशन है. मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों आपको डायरेक्ट, तो देखिएगा रेटिंग क्या होगी. ध्यान देना आपको किलोवाट, देखिएगा यहाँ के बी ए आर रिएक्टिव. ये कंडीशंस आपके साथ होती है किलोवाट एम्पीयर रिएक्टिव. अब आपसे देखिएगा संधारित्र और भी पूछा जा सकता कि संधारित्र की धारिता को किसमें मापा जाता, तो क्या बताओगे? आपका अगला क्वेश्चन आप क्या सकता कल आप क्या सकता संधारित्र की धारिता को किसमें मापा जा सकता, तो क्या बताओगे आप? फैराड. क्या बताओगे? बता सकते हो क्या होगी? फेरड.
तो आप बता सकते हो अभी भी कुशलता धारिता अर्थात यहाँ कैपेसिटर का जो यूज क्या किया जाता तो देखिएगा शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए शक्ति गुणांक अरे शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए इसका यूज क्या आएगा शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए किसके लिए बढ़ाने के लिए शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए क्या होता और एक और स्टेप आपके सामने है देखिएगा मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप में शक्ति गुणांक हो गया इसके बाद में एक और कार्य सिंगल पेज को अर्थात सिंगल पेज को मतलब एकल कला को एकल कला को द्यू कला में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बदलने हैं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि सिंगल फेज को डबल फेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग करो तो आप क्या बताओगे कैपेसिटर संधारित्र या कंडेंसर कैपेसिटर संधारित्र या फिर कंडेंसर तीन नाम बताए मैंने कैपेसिटर संधारित्र और कंडेंसर और मैंने एकल कला सिंगल फेज को इसके अलावा देखिएगा ये क्या करता विद्युत को कुछ संग्रहित भी करता है तो विद्युत को संग्रहण के लिए विद्युत के संग्रहण हेतु किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर इसका करते हैं किसका संधारित्र का इसके बाद एक और आपके पूछा जा सकता है क्या आ सकता है जो लास्ट टाइम आपके ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस बोर्ड में रहता आपके भी आ सकता है क्यों पूछा जा सकता है क्या पूछा जाता है कि संधारित्र जो होता है इसका क्या कर रहे तो एक होती स्पंदित डीसी जिसको बोलते हैं पल्स सेटिंग क्या बोलते हैं पल्सेटिंग जिसको बोलते हैं पल्सेटिंग हिंदी में आप क्या आ सकता है स्पंदित क्या आ सकता है स्पंदित डीसी है ना स्पंदित का मतलब होता है अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं शुद्ध डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं कैपेसिटर का जो कि फिल्टर परिपथ में काम आती है अतः फिल्टर परिपथ आपको पता है संधारित्र चोकर रेजिस्टर का प्रयोग किया जाता है संधारित्र चोकर और रेजिस्टर का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके एग्जाम आ जाए तो कर देना मैं एक से रिलेटेड के बिंदु पर चर्चा करता रहा हूं इसके अलावा तो सिंगल फेज मेट्रो में किया जाता है जो कि मैंने आपको बताया अतः देखिएगा यह था आपका अगला क्वेश्चन अब मैं आपको इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपका जो है पार्ट टू की जगह किसमें पहुंचेंगे पार्ट थर्ड में नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा आप देखते रहेंगे।